हेलो वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बीपीएससी में इंटरव्यू का दौर चल रहा है अभी, ऑडिटर मेंस का चल रहा है इंटरव्यू, उसके बाद आपको 67वीं मेंस का भी इंटरव्यू शुरू हो जाएगा आगामी एक महीना के अंदर, ऐसी संभावनाएं हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल इंटरव्यू स्पेशल वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में मैं अपना इंटरव्यू जो दौर हुआ था उसमें मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने कैसे उसको हैंडल किया था, नंबर मुझे कितने के आसपास मिले थे, वो सब आपको बताऊंगा और साथ साथ प्रिकॉशन बताऊंगा जो मैंने गलतियाँ की उसको आपको नहीं दोहराना है और कैसे आप मैक्सिमम नंबर एक्वायर कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा जो इंटरव्यू हुआ था 66वीं का, वो करीब 24 मई को हुआ था, 24 मई 2022 को हुआ था, ठीक है ना। और मेरा इंटरव्यू फर्स्ट शिफ्ट में ही था। इस बार तो नंबर ऑफ़ शिफ्ट बढ़ गए हैं और नंबर ऑफ़ पैनल भी बढ़े हैं, क्योंकि इंटरव्यू को मतलब कि जल्द से कंपाइल करना है क्योंकि रिजल्ट ऑलरेडी ही लेट है। तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे इंटरव्यू पैनल में भी। बहरहाल जो बेसिक चीज़ क्या होता है ना, आपको पता है कि इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके पारिवारिक स्थिति या आपके जो नाम इत्यादि से नहीं पूछा जाता है, वो सीधे आपके क्वालिफिकेशन से शुरू करते हैं। ऐसा बदलाव किया गया है बीपीएससी में। ऑब्वियसली मुझसे जो सवाल पूछा गया था, पहला सवाल था कि आपने स्नातक कब किया है, मैंने इसका जवाब दिया। दूसरा सवाल था किस विषय से किया है, ध्यान से सुनिए। पहले आप मेरा इंटरव्यू का सारा क्वेश्चन समझ लीजिए, निश्चित रूप से आपको एक आइडिया आ जाएगा और अभी जो आपके दिमाग में बहुत सारा उपाव की स्थिति है तो वो एक तरह से शांत हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला मेरा था कि स्नातक कब किया गया। अच्छा, मुझे पता नहीं चल पाया था उस वक्त कि मेरे इंटरव्यू किस बोर्ड में हुआ था, मे बी शायद अशोक सर थे, अशोक चौधरी करके शायद थे, ऐसा मुझे अनुमान है, मैं एग्जैक्टली नहीं जानता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि भगत सर को तो निश्चित रूप से सब लोग पहचानते हैं, दीप्ति मैडम को भी सब लोग पहचानते हैं और चेयरमैन सर को भी पहचानते, उस समय जो चेयरमैन थे, ठीक है, तो उनका नहीं था, मे बी अशोक चौधरी सर का था, तो मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली, ठीक है ना, इसलिए मैं कन्फ्यूजन में हूँ। बहरहाल जो भी था, इंटरव्यू खत्म हो चुका है और फाइनल सेक्शन भी हो चुका है, तो उन बात उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप एक बार जब जाइएगा तो जरूर जो 10 मेंबर हैं अभी वर्तमान में बने हैं उन सबका एक बार देख लीजिएगा, उनका चेहरा आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि क्या होता है ना, जब इंटरव्यू शुरू हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सा इंटरव्यू थोड़ा सा लिबरल है बोर्ड, या कौन सा बोर्ड थोड़ा सा मतलब सख्त है, तो वो आपको पता चलता रहेगा, तो इस अनुसार आपकी तैयारी रहनी चाहिए। खैर आते हैं, मेरा पहला सवाल था कि आपने स्नातक कब किया है, मैंने उसका जवाब दे दिया था। फिर किस विषय से किया है, उसका भी जवाब दे दिया। वैकल्पिक विषय क्या है, ऑब्वियसली ये तीन बेसिक क्वेश्चन है, आपको हर बार पूछे जाएंगे, हर एक स्टूडेंट से पूछे जाएंगे। फिर पोस्ट प्रेफरेंस मांगा गया, मैंने जो पोस्ट प्रेफरेंस डाला था उसको आपको मैंने बता दिया वहाँ पर। उसके बाद तीन तक, ऊपर से तीन तक पोस्ट प्रेफरेंस, ऊपर से तीन तक हमको मांगा गया था, ठीक है ना, तो हमने भी उसको बता दिया था। तो पोस्ट प्रेफरेंस आप जो भी डाल रहे हैं, ऊपर से तीनों तक पोस्ट प्रेफरेंस आपने क्यों डाला है, हालांकि तीन तक तो नहीं जाते हैं, कम से कम पहला जो है उसका आपको आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए कि वही पोस्ट प्रेफरेंस में पहले क्यों डाला है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली 67वीं में मतलब कि एसडीसी के पोस्ट बहुत सारे हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने एसडीसी को ही पहले डाला होगा और होना भी चाहिए। इसमें से यदि कोई स्टूडेंट एसडीसी के अलावे डीवाईएसपी डाले हैं तो उनको मतलब इंटरव्यू बोर्ड को कन्विंस करना पड़ेगा कि आपने जो एसडीसी को छोड़कर डीवाईएसपी डाला है वो क्यों डाला है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। अब जब हमको पूछे वो कि जॉब करते हैं क्या है, यदि हाँ तो कहाँ, उन्होंने हमसे पूछा, ऑब्वियसली उनको पता रहता है कि बहुत सारे जॉब लोग हेल्प करते हैं, मैंने अपना जॉब प्रोफाइल बता दिया, ऑब्वियसली मैं टीचर था तो, और उसके बारे में भी मैंने बहुत सारा क्वेश्चन तैयार करके गया था कि जी मुझे जॉब से पूछेंगे तो अच्छा है, मेरे लिए बेनिफिट है क्योंकि उस चीज़ से मैं करके आया हूँ, यदि वैकल्पिक विषय से पूछेंगे मतलब मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट से पूछेंगे तो शायद मैं उतना अच्छा से जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि 8-9 साल हो गए थे, लेकिन मेरे जॉब प्रोफाइल से पूछेंगे तो मेरे लिए आसान होगा। मैं जॉब प्रोफाइल से बहुत ही अच्छी तैयारी करके गया था, अनफॉर्चुनेटली मुझे जॉब प्रोफाइल से एक भी सवाल नहीं पूछा गया। होता है किसी किसी के साथ, मैं देखिए हमेशा से ही कहता हूँ कि इंटरव्यू जो है वो आपकी तैयारी मान लीजिए 50%, 60%, 70% तक, और लक उसमें बहुत फेवर करता है, आपका बोर्ड क्या है, बोर्ड का मूड क्या है, उस दिन बोर्ड जॉली मूड में है, यदि अपने घर से लड़ाई झगड़ा नहीं करके आए तो अच्छा से सवाल पूछेंगे, किसी दिन यदि कहीं और उनका टेंशन है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, ये सब चीज़ें होती हैं। बहरहाल इस बार तो एक चीज़ है कि आपको 30% से मिनिमम नहीं दिया जा सकता है और 80% से मैक्सिमम नहीं दिया जा सकता है नंबर, यदि ऐसा होगा तो उनको एक्सप्लेन करना होगा, तो अच्छी बात है ये। चलिए, मैंने जॉब का बता दिया, मुझे लगा आप जॉब से वो करेंगे सवाल पूछेंगे, लेकिन जॉब से नहीं पूछे, मैंने जॉब में ही बताया था कि वो कहाँ करते हैं, तब मैंने बताया था कि मैं समस्तीपुर में जॉब करता हूँ, ठीक है ना, मेरा जो प्रीवियस जॉब था। अब उन्होंने पूछा समस्तीपुर से बहने वाले प्रमुख नदियों का नाम बताया, देखिए क्वेश्चन कैसे लिंकअप हो रहा है, इसी तरह से लिंकअप होगा, कोई भी इंटरव्यू का स्पेसिफाइड नहीं है कि क्या सवाल आपसे पूछा जा सकता है, आपको हमेशा 360 पे तैयार होना होगा अपने आसपास की हर एक चीज़ों से, ठीक है ना।
कभी कभी आप जो तैयारी करके जाएंगे, जो एक्सपेक्ट करके जाएंगे, शायद वो हिसाब से ना माहौल मिले, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। और सच बताऊँ तो मेरे इंटरव्यू बोर्ड में क्या हुआ, जो मेरा इंटरव्यू बोर्ड रहा था, शायद एक मेंबर वहाँ पे थोड़े से सो रहे थे, तो दूसरे इंटरव्यूअर उनको जगा रहे थे, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा साइड इफेक्ट पड़ता है। लेकिन उन चीज़ों के लिए आपको पूरा तैयार रहना पड़ेगा। वो पूरा कोशिश करेंगे, वैसे एक्ट करेंगे कि वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। हालांकि सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कहीं कहीं वर्स्ट सिचुएशन होगा तब की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको उस समय अपने आप को संभालना है, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करना है और हर एक चीज़ों का, ठीक है। तो फिर समस्तीपुर से बहने वाले प्रमुख नदियों का नाम बताएं। मैंने जैसे ही बताया समस्तीपुर में जॉब करता हूँ, तो समस्तीपुर में के नदियों को मैंने बताया। फिर बोले कि क्या वहाँ से गंगा बहती है कि नहीं, क्योंकि मैंने गंगा का नाम छोड़ दिया था। तो मेरे दिमाग में आया कि हाँ गंगा वहाँ से बहती है, मैंने बताया हाँ गंगा वहाँ से बहती है। कहाँ से बहती है, मैंने वो प्लेस का भी नाम बता दिया। फिर उन्होंने एक्चुअली उनका सवाल था क्या गंगा नहीं बहती है समस्तीपुर से, जो आपने मतलब इतने नदियों का नाम बताया उसमें से गंगा का नाम नहीं बताया, क्या गंगा नहीं बहती है। तो मेरे दिमाग में तुरंत रिकॉल किया, इस तरह का सवाल जब भी वो दागे इंटरव्यू बोर्ड, समझ जाइए कि वो आपसे कुछ स्पेशल चीज़ का डिमांड कर रहे हैं, मतलब आसपास एक तरह से वो आपको हिंट दे रहे हैं। यदि आपके दिमाग में आ रहा है तो निश्चित रूप से बोलिए, और नहीं आ रहा है तो सॉरी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, गलत आंसर नहीं देना है। मेरे से 2 गलत आंसर हुआ था, मैं आगे आपको बताऊंगा उसका खामियाजा मिला नहीं तो निश्चित रूप से। हाँ, मुझे नंबर कितना मिला मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। एग्जैक्टली मुझे 60% के आसपास नंबर मिला था। यदि और बेहतर होता तो शायद वो 65-70 तक जाता, तो और भी बेहतर चीज़ मुझे मिल सकता था। खैर, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो फिर उन्होंने पूछा गंगा कहाँ से निकलती है, मैंने गोमुख बोला, मैंने गंगोत्री बोला। तो उन्होंने बोला गोमुख या गंगोत्री से, फिर इस पर हम मुझे बहुत सारा सवाल उन्होंने फंसाया है ना, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा फंस गया था। फिर मैं गोमुख और गंगोत्री में फंस ही रहा था एग्जैक्टली, मतलब थोड़ा सा उस वक्त मैं अचानक से कन्फ्यूज हो गया था, ठीक है ना। मैं स्थिति बता रहा हूँ। तो मुझे लग गया उनके एक भर्सन से, आप उन्होंने कहा आपके अनुसार गंगा यदि गोमुख या गंगोत्री यहाँ से निकलती है तो फिर उनका नाम गंगा क्यों पड़ा। जब ऐसे सवाल हमको वो पूछ रहे थे, मैं यहाँ पर फंसा था, मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत जा रहा हूँ। तब मैंने उन्हें बोला सॉरी सर, मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि गंगा यहीं से निकलती है, बस मैं ये कन्फर्म हूँ, मैंने अपना बचाव किया, मैं ये कन्फर्म हूँ कि गंगा मतलब आगे जा करके देवप्रयाग में जब उसकी धाराएं मिलती हैं और वहां से उसका नाम गंगा पड़ता है। तो इस तरह से मैंने अपना बचाव किया, ठीक है। फिर भागीरथी का नदी का नाम, मतलब भागीरथी और जो उसके धाराएं मिलती है, मैंने ये बताया था कि देवप्रयाग में मिलती है, फिर वहां से नाम उसका गंगा पड़ता है। फिर उन्होंने बताया कि गंगा का नाम भागीरथी क्यों पड़ा, इस पर उन्होंने सवाल पूछा है ना। तो भागीरथी नदी का नाम भागीरथी क्यों पड़ा, उन्होंने मेरा सवाल पूछा, तो मैंने जवाब दिया कि क्यों पड़ा है ना। और फिर पूछे राजा सगर का नाम सुना है, वही भागीरथ और राजा सगर सब अपना वो जो उद्धार करने के लिए गंगा माँ की तपस्या किए थे, ठीक है ना। इस तरह से मैंने जवाब दिया कि सर मैं राजा सगर का नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन भागीरथ का नाम जानता हूँ, जिन्होंने के भागीरथी प्रयास से गंगा स्वर्ग से नीचे आई थी, इसीलिए उसका नाम भागीरथी प्रयास, उससे उनके पितरों का उद्धार हुआ था, ठीक है। जो जानकारियाँ थी, पौराणिक जानकारियाँ थी, उसको मैंने बताया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद उनका ख़त्म हो गया। फिर दूसरे पैनल के मतलब करीब उसमें हमको लगता है 5 पैनल रहते हैं, 5 या 6 पैनल रहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा हूँ, कभी कभी 5 या 6 रहते हैं, 1 अध्यक्ष, बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, और शायद 2-2 और एक्स्ट्रा रहते हैं लोग, ठीक है ना। तो दूसरे लोगों ने पूछा था हमको, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हूँ इस पर, बहुत ज़्यादा ये की बात नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि समस्तीपुर में, दूसरे मेंबर ने पूछा समस्तीपुर में विश्व प्रसिद्ध कौन सा स्थल है, मुझे याद करना था। तो वहाँ पे एक आपको पूसा कृषि इंस्टीट्यूट है समस्तीपुर में, ठीक है ना, जो पहले पूसा में ही था, फिर वही चीज़ आपको राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा जो है, फिर वहाँ पर 1934 में भूकंप आ गया था, वहाँ का बहुत सारा फाइल नष्ट हो गया, तो फिर पहले वहाँ पर खुला था 1905-6 के आसपास, ठीक है ना। मतलब कि वही करजन के आसपास क्या जो समय था उसके आसपास खुला था, ठीक है ना। और फिर वहाँ से 1934 में भूकंप के बाद उसको दिल्ली शिफ्ट किया गया था। तो मैंने बता दिया कि मुझे याद आया, मैंने बता दिया हाँ पूसा इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना। और फिर उन्होंने उससे पूछा मुझसे सवाल कि क्यों, मतलब कि वहाँ का क्या काम है, तो मैंने बताया कि बीज अनुसंधान इत्यादि काम है, तो इस सबको मैंने आसानी से जवाब दे दिया। उन्होंने पूछा कि अच्छा यही नाम का इंस्टीट्यूट है कहीं और भी है, उन्होंने बोला दिल्ली में है, तो उन्होंने बोला कि पहले कौन बना था, मैंने बोला पूसा बना था, फिर उन्होंने बोला दिल्ली क्यों शिफ्ट हुआ, तो मैं एग्जैक्टली तो नहीं जानता था, बस इतना बताया कि सर शायद वहाँ का मतलब परिसर कम पड़ गया होगा, या फिर मतलब कि चीज़ों को और बेहतर ढंग से करने के लिए वहाँ पर ले गया होगा। तो मैंने इससे ऐसे कह के निकल गया था, वास्तविकता यही थी कि 1934 का भूकंप वहाँ का सारा फाइल नष्ट हो गया था, तो इसलिए उसको वहाँ पर शिफ्ट किया गया था, और ऑब्वियसली अनुसंधान इत्यादि को तो बढ़ाना ही था। फिर पोस्ट प्रिफ्रेंस से ही जो एक पुलिस के ऑफिसर थे, उन्होंने हमको हाँ 5 मेंबर थे शायद, एक पुलिस के ऑफिसर से उन्होंने पूछा 0 FIR क्या है। 0 FIR पर मुझे पता तो था,
कि जीरो एफ आई आर क्या होता है, लेकिन मैं कंफ्यूज था इसलिए मैंने बोला सॉरी सर मुझे नहीं पता है। जीरो एफ आई आर एक्चुअली होता क्या है, यदि किसी थाने क्षेत्र का वो एफ आई आर नहीं होता है तो उस थाने क्षेत्र में घटना घटती है तो उसको वो जीरो एफ आई आर के नाम से दर्ज कर लेता है, ठीक है ना। कहीं और मतलब आपको एफ आई आर करवाना होता है, जैसे सुशांत सिंह केस में हुआ था कि पटना में जीरो एफ आई आर दर्ज करके घटना घटी थी, आपको महाराष्ट्र में तो वहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया था। तो मैं जानता था लेकिन थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन था इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया, इसको सॉरी बोल दिया। फिर एक दूसरे ने पूछा कि अनुच्छेद 26 में क्या है ना, संविधान से सवाल पूछा था। फिर अनुच्छेद 32 में क्या है, उन्होंने पूछा, इसका मैंने सही से जवाब दिया। फिर एक ने पूछा कि अनुच्छेद 32 और 226 में क्या अंतर है, वो मैंने बता दिया। 32 जो है सुप्रीम कोर्ट का है और 226 जो है हाई कोर्ट का है, जो रिट है जारी करने का। फिर उस समय चर्चाओं में चल रहा था अनुच्छेद 142 नेचुरल जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है, इसके संबंध में आपको 67वीं में इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था बकायदा, तो उस पर मैंने जवाब दिया पूर्ण न्याय का जो सिद्धांत है। उस समय वो क्या हुआ था कि राजीव गांधी के कुछ जो हमलावर थे उनको आजीवन कारावास के बाद उनको छोड़ दिया गया था 132 का प्रयोग 142 का प्रयोग करके, तो उसका मैंने जवाब दिया। फिर पूर्ण न्याय क्या होता है उस पर उन्होंने सवाल पूछा था, वो 132 से ही जुड़ा था। फिर उन्होंने एक बात पूछा 142 की मैं बात कर रहा हूँ, नेचुरल जस्टिस या पूर्ण जस्टिस, तो उन्होंने पूछा 142 का प्रयोग कब किया जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फंसा था, मैंने उनको कहा था कि शायद सर मुझे कंफर्म तो नहीं हूँ लेकिन शायद जब सुप्रीम कोर्ट को लग जाता है कि मानवाधिकार या कुछ ऐसा चीज़ है और उस पर कानून नहीं बना है, उसके बाद भी उस पर कानून नहीं बना है और लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है तब इसका प्रयोग करके वो कर रहे हैं, इस तरह से मैं कुछ बोला था, ठीक है ना। फिर और सवाल था उधर, दूसरे ने पूछा कि गंगा यूपी के किन शहरों से बहती है, मैंने बताया। फिर गंगा बिहार में किन शहरों में बहती है, वो भी बताया मैंने। क्या गंगा में कोई अभ्यारण भी है, रिजर्व भी है, तो मैंने गंगा डॉल्फिन भागलपुर का नाम बताया। फिर वही कृषि विश्वविद्यालय पूसा का नाम से क्या कहीं और कोई कृषि संस्थान है, मैंने पहले ही बता दिया, मैंने बताया दिल्ली में है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अंतर समझाने के लिए दूसरे ने बताया मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट से, आप समझिए मतलब क्वेश्चन का पैटर्न भले ही अलग अलग हो लेकिन आप समझिए। फिर मैंने उसको बताया CO2 में कार्बन है फिर भी इसका अध्ययन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों किया जाता है, तो मैंने इसका थोड़ा जवाब दिया। फिर हमको लगा कहीं कहीं फंस रहे तो मैं इसको सॉरी बोल के निकल गया, ठीक है ना। ये मेरा चूंकि जो ऑप्शनल था वो केमिस्ट्री था इसलिए इससे सवाल आया था केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन में क्या अंतर है, ठीक है ना, तो इसको मैंने बताया। उसके बाद है मॉलिक्यूल्स क्या होता है उदाहरण सहित बताए, उसको भी मैंने बताया। हिंदी साहित्य का पुलिस सेवा में क्या उपयोग है, अब यहाँ से हाइपोथेटिकल क्वेश्चन या क्रिटिकल, क्योंकि हिंदी साहित्य मेरा ऑप्शनल था, केमिस्ट्री मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था, मैं कंफ्यूज कर गया हूँ, केमिस्ट्री मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था और हिंदी साहित्य मेरा ऑप्शनल था, तो ऑप्शनल से मेरा सवाल यहाँ पर आया कि केमिस्ट्री से सवाल आ ही गया कि आपने ऑब्वियसली आपको जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट होंगे उससे सवाल आएंगे और जो ऑप्शनल होंगे उससे सवाल आएंगे। ऑप्शनल से भी मेरा सवाल था कि जो मैंने कहा शुरुआत में ही मेरे से गलती हो गया, वो प्रेमचंद के बारे में मेरे से दो सवाल पूछे थे कि प्रेमचंद किस भाषा में बोलते हैं और किस भाषा में पहले लिखते थे, उनके कुछ प्रसिद्ध कृतियों के बारे में लिखना था, ठीक है ना। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, मैं गेस करने लगा था और इसी में मुझे गलती हो गया था, शायद वो क्वेश्चन मुझे नहीं बोलना चाहिए था, उत्तर गलत नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी बोलना चाहिए था। तो मेरे ऑप्शनल से मेरे को सिर्फ दो ही सवाल पूछे गए थे जबकि ग्रेजुएशन सब्जेक्ट केमिस्ट्री से सवाल पूछे गए थे। अब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन शुरू हुआ था कि हिंदी साहित्य का पुलिस सेवा में क्या उत्तर है, तो मेरा जो भी उत्तर था मैंने दे दिया उनको। और DYSP के रूप में आपकी जो है क्या प्राथमिकताएँ होंगी, है ना, तो मैंने अपना प्राथमिकता बताया। फिर उन्होंने बहुत सारा मुझे इस पर फंसाने की कोशिश की, ठीक है, तो किन्हीं किन्हीं पर मैं निकल गया आसानी से हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में, और कहीं कहीं मैं थोड़ा सा जब नहीं हो पाया तो मैं उसको सॉरी बोल के निकल गया जब वो बहुत ज़्यादा हमको घुमाने लगे। और प्रेमचंद के पहले किस भाषा में रचना करते थे, ठीक है ना, और फिराक गोरखपुरी किस भाषा में रचना करते थे, यहाँ दोनों पर मैंने गलत उत्तर ले लिया, अटैम्प्ट लिया, तो यहाँ पर थोड़ा हुआ। फिर नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर उन्होंने बोला उसका क्या बजट है, मैंने बोला मुझे एग्जैक्टली बजट नहीं पता है क्या बजट है, है ना। नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्यों फेल हो गया, तो मैंने बोला पूरी तरह फेल तो नहीं हुआ लेकिन इसका असर दिख रहा है बनारस इत्यादि में। नमामि गंगे योजना का फायदा पूर्ण रूप से क्यों नहीं हो पा रहा है, ये क्वेश्चन था। इस तरह से मुझे 35-40 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे, इसमें से कुछ क्वेश्चंस में मैं बिल्कुल गलत उत्तर दे दिया था, खासकर हिंदी वाले में। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा फंसाया गया है, फिर भी ओवरऑल इतना मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब मुझे एवरेज नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना, वही हुआ, एवरेज नंबर मुझे मिला। अंत की सिचुएशन को मैंने बहुत अच्छे से संभाल लिया था, अंतिम मुझे सवाल वही 142 सेक्शन से, 26 सेक्शन से, 32 सेक्शन से, तो इस तरह से 226 से 32 से, तो अंत वाला पोर्शन मेरा बहुत अच्छा चला गया था, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अप डाउन होता रहा,
और उस बीच बीच में मतलब कि देख रहे थे मेरे इंटरव्यू के मेंबर थोड़े से मतलब हमको डाइवर्ट करने के लिए वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि मैं जवाब दे रहा हूँ, वो सुन नहीं रहे। आप लोग इतना तैयारी करके जाते हैं और आपको लगता है कि चलो हम जवाब देंगे सब लोग सुनेंगे, तो कुछ प्रिटेंड कर रहे थे कि हम सुन नहीं रहे, मोबाइल देख रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वास्तव में कुछ चीज़ें होती हैं कि थोड़ा सा वो आपको नेग्लिजेंस दिखाएंगे, लेकिन वास्तव में सबका ध्यान रहता है आपके बिहेव पर, ठीक है ना, आपके रिस्पांस पर। तो कुल मिलाकर इस तरह से चला था, 60% के आसपास मेरे को नंबर मिला, सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको करना क्या नहीं है। गलत उत्तर जैसे ही आपको आ रहा है, मतलब किसी आंसर का उत्तर आपको नहीं आ रहा है, तो गलत उत्तर नहीं देना है, ठीक है ना, बिल्कुल सॉरी बोल के निकल जाना है। आप सॉरी बोलिएगा उसमें कोई हर्ज नहीं है, आपको दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। जब भी आपको बात करना है, एक चीज़ और मैंने क्या ध्यान दिया था कि मैं जब भी बात कर रहा था इंटरव्यू मेंबर बोर्ड के, आँख में आँख मिलाकर बात करना चाहता, चेहरे पर थोड़ा स्माइल लगता था, ठीक है ना, और यदि सॉरी बोलना है तो एक सलीके से बोलता था। जो पुलिस वाले क्वेश्चन हमसे पूछ रहे थे उन्होंने हमको बिल्कुल फेड आउट कर दिया, फिर भी मैंने अपना टेंपर लूज़ नहीं किया, हमको बहुत ज़्यादा वो इरिटेट करने की कोशिश किया, मतलब अपने क्वेश्चन से पूछ करके बार बार, लेकिन मैंने उसका शालीनता से जवाब दिया और सॉरी बोल करने कर निकला। उनसे बहस नहीं किया मैंने किसी भी चीज़ों पर, ठीक है ना, जबकि बहस की नौबत आ गई थी, मैंने अपने आप को संभाल लिया। तो इस तरह से मुझे एवरेज नंबर मिल गया और मैं 60% एवरेज में मान के चलता हूँ, जैसे 80 टॉपर है और 30 मिनिमम है, तो उसमें 60 आया, तो मैं एवरेज या ओवर द एवरेज बोल सकता हूँ, एक्सेलेंट नहीं आया बट ठीक है, अच्छे नंबर मिले मिला जुला करके, जिससे वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। कुछ थोड़ा सा और मैं करता बेहतर ढंग से, तो मुझे और 5-10 नंबर बढ़ते तो ऑब्वियसली रैंक में सुधार होता। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, आपको अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करना है, आपके ऑप्शनल के सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करना है, करंट अफेयर्स को देखते जाना है। जिस दिन इंटरव्यू का उस दिन के पेपर को जरूर देख लीजिएगा, उसके हेडलाइन इत्यादि को, कभी कभी उसी दिन से क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझे उससे 4 दिन पहले या 5 दिन पहले के क्वेश्चन को पूछा गया था, वो अनुच्छेद 142 वाला, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ये चीज़ें, इसको ध्यान रखना है। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपके बोलने का स्टाइल, है ना, गेस वर्क करना है तो परमिशन के साथ करना है, और सबसे बड़ी बात गलत नहीं उत्तर देना है, ये हमेशा ध्यान रखना है, और इंटरव्यू बोर्ड से आर्ग्यू नहीं करना है। बाकी आपका इंटरव्यू निश्चित रूप से अच्छा जाएगा, ये दौर होगा जब आपका 15 अगस्त के आसपास आपका 67 मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, उस लिस्ट में आपका नाम होगा, तो पूरी तैयारी झोंक दीजिएगा इंटरव्यू के चक्र को पार करने के लिए। 802 सीट है, निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा बच्चों का, और इस बार का मार्किंग भी एवरेज ही होगा, बहुत हाई नहीं होगा, मेरी बात समझिए। तो किसका सिलेक्शन होगा, किसका सिलेक्शन छूटेगा, कोई नहीं जानता है। हाँ, जिसका ऑप्शन अच्छा गया है, जिसका मैथ अच्छा गया है, निश्चित रूप से उनको अभी से इंटरव्यू की तैयारी में जुट जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। यदि इसके बाद ही इंटरव्यू संबंध में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए।